ग्रिप आपने ऐसी पकड़नी है। अच्छा देंगे, ये अभी टेप नहीं चढ़ा हुआ तो मैं बता रहा हूँ, समझ लो टेनिस बॉल समझ लो उसको, लेकिन इस पर टेप चढ़ाने के बाद भी यही सिचुएशन रहेगी, आप उसको टेप बॉल समझ लें। हर कोई जो है उसको मार नहीं सकता, लेकिन हर कोई इस बॉल को करा भी नहीं सकता बगैर प्रैक्टिस के, तो आपने बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे आप सब, उम्मीद करता हूँ खैरियत होगे। तो भाई आज की वीडियो जो है बॉलिंग टिप्स पे होने वाली है। काफ़ी लोगों के कमेंट्स आ रहे थे कि हसन भाई बॉलिंग टिप्स की तो वीडियो बनाओ, तो टेनिस बॉल की बॉलिंग टिप्स और टेप बॉल की बॉलिंग टिप्स दोनों तकरीबन सेम ही होती है। तो मेरे पास ये टेनिस बॉल है, अब मैं इस पर ही टेप कर दूंगा तो टेप बॉल हो जाएगी, लेकिन इंडिया में जो है देखी जाती है तो क्रिकेट वो टेनिस बॉल खेलते हैं टेप चढ़ाए बगैर, लेकिन उनकी बॉल की क्वालिटी भी अलग होती है, वो टेनिस बॉल थोड़ी अच्छी क्वालिटी की होती है। ये जो है ये बगैर टेप के हम पाकिस्तान में इससे नहीं खेल सकते, इसकी अच्छी क्वालिटी नहीं होती, लेकिन इस पर हम टेप चढ़ा देंगे तो टेप बॉल क्रिकेट हो जाएगी। तो दोनों की जो है बॉलिंग टिप्स तकरीबन सेम ही होगी, मैं आपको बताऊंगा क्या करना है क्या नहीं। इस वीडियो को बस आपने एंड तक देखना है, मैं आपको सारी चीज़ें मैं समझाऊंगा कि आप अगर फास्ट बॉलर हैं किस तरह से आपने बॉलिंग करनी है कि आप फिटनेस से बच सकें, चाहे टेनिस क्रिकेट खेलने हो चाहे आप टेप बॉल क्रिकेट खेलने हो। तो ठीक है, तो वीडियो को एंड तक जरूर देख लेना और आप लाइक करना भूल जाते हैं, लाइक अभी कर। दोस्तों आमतौर पर देखने में यह आया कि बैट्समैन बहुत ज़्यादा होते हैं, हर किसी को बैटिंग का शौक होता है, बॉलिंग का शौक किसी को नहीं होता, बहुत कम बॉलर होते हैं हर टीम में, और कप्तान की समझ में नहीं आता कि बॉल किसको करवाएं, क्योंकि समझ में नहीं आता, हर कोई पिट रहा होता है और हर कोई बॉलिंग से बच रहा होता है, लेकिन कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनको बॉलिंग का शौक होता है और उनको बॉलर ही पसंद आते हैं इंटरनेशनल क्रिकेट में भी, जैसे इंडिया वालों को जसप्रीत बुमराह या उनके और भी बॉलर हैं सिराज वगैरह हैं, और पाकिस्तान के मोहम्मद आमिर, नसीम शाह, शाहीन जाफरीदी, लोग बॉलिंग भी देखना पसंद करते हैं, लेकिन हार्ड बॉल की बॉलिंग अलग होती है, स्विंग वगैरह की वजह से उनको इतना आसान नहीं होता मारने में, और हमें मैच देखने में भी मज़ा आता है जब बॉलर विकेट लेता है, लेकिन टेप बॉल और टेनिस बॉल की बॉलिंग बहुत ज़्यादा अलग होती है। इसमें यह होता है कि हम बैट्समैन को ज़्यादा फेवर करते हैं, हमारी ख्वाहिश होती है हम बैट्समैन बने, या हम किसी ग्राउंड में मैच देखने जाते हैं तो हम कोशिश ये करते हैं उस फला बैट्समैन की बैटिंग देखेंगे, हम किसी की बॉलिंग देखना नहीं आते जाते। इसकी वजह ये है कि बहुत ज़्यादा छक्के पड़ रहे होते हैं, बॉलर को कोई पसंद नहीं करता, लेकिन अब मैं आपको बता रहा हूँ कि आपने किस तरह से बॉल करनी है, अगर टेप बॉल और टेनिस बॉल में बॉल करनी है, जिससे आप लोगों को मज़ा आएगा, क्योंकि जाहिर सी बात है आप बॉल डॉट कराओगे या फिर आप जो है विकटे लोगे तो आपको खुद को मज़ा आएगा बॉल कराने में, क्योंकि बॉलिंग से भी नाम बनाया जा सकता है, अच्छा नाम, लेकिन अब बच्चे जो होते हैं ना छोटे बच्चे, ठीक है ये वीडियो खैर बड़े भी देख सकते हैं, लेकिन बच्चे जो होते हैं वो पता है क्या गलती करते हैं, वो उनके वेरिएशन होती नहीं है उनके पास, वो सिर्फ एक ही बॉल करा रहे होते हैं, वो सीधी सीधी बैट के नीचे दे रहे होते हैं और सामने वाला सीधे सीधे छक्के मार रहा होता है। अब आप देखें टेप बॉल और टेनिस बॉल में जो है ना स्पीड का काम नहीं है, आप जितनी ज़्यादा स्पीड लगाओगे उतना ज़्यादा पिट जाओगे, क्योंकि सामने वाले के पास जो है ना बैट्समैन के पास बैट ऐसा होता है वो सिर्फ बैट लगाएगा और आपको छक्का पड़ना है, ठीक है, तो स्पीड के पीछे आप मत भागें। इसमें जो है आप एक चीज़ सीख लें बस, जो मैं आपको बताने वाला हूँ, टेनिस बॉल हो चाहे टेप बॉल हो, आपने सिर्फ लेग कटर बॉलिंग सीखनी है, और लेग कटर बॉलिंग ऐसा है कि किसी भी बैट्समैन से इतनी आसानी से आपको नहीं खेला जाएगा, अगर ज़बरदस्ती वो करेगा मारेगा तो वो कैच आउट हो जाएगा बाउंड्री पे, इतना आसान नहीं होगा, मतलब मार दे कोई अच्छा बैट्समैन होगा तो वो बना बुनू के मार देगा आपको, लेकिन हर किसी के बस की बात नहीं होगी। अगर आप परफेक्ट हो गए, ठीक है, इस बॉलिंग में आप लेग कटर बॉलिंग में अगर आप परफेक्ट हो गए तो फिर इतना आसान नहीं होगा आपको मारना। तो मैं आपको बताऊँ आपको किस तरीके से करानी है, देखें ये देखें ग्रिप आपने ऐसी पकड़नी है। अच्छा देंगे, ये अभी टेप नहीं चढ़ा हुआ तो मैं बता रहा हूँ, समझ लो टेनिस बॉल समझ लो उसको, लेकिन इस पर टेप चढ़ाने के बाद भी यही सिचुएशन रहेगी, आप उसको टेप बॉल समझ लें। देखिए मैं इस वजह से समझा रहा हूँ कि आपको समझने में आसानी हो। आपने ग्रिप आपकी जैसी भी हो ना भाई, ये पकड़ना है ऐसे, ठीक है, ग्रिप आपने ये पकड़ के आ जाना है, आप अपने जहाँ से भी रन अप लेना आप वहाँ पर चले जाएंगे, ठीक है, आपने भागते हुए ना, अच्छा मैं इसमें स्लो वन का भी तरीका बता दूँगा आपको किस तरह से स्लो वन करनी है। आपने नॉर्मल भागते हुए आना है और बैट्समैन जो होता है, देखें यहाँ पे टेप बॉल में ऐसा नहीं होता कि बॉलर वहाँ से देख ले कि आपके हाथ में मतलब किस तरह से आप मूव कर रहे हैं, इतना टाइम नहीं होता क्योंकि पीछे कोई ब्लैक स्क्रीन नहीं लगी होती, कुछ भी नहीं होता, इतना दिखता नहीं है बैट्समैन को ना, तो आप चाहे तो वो ग्रिप आप पहले ही बना लें, लेकिन देखें आप ग्रिप पकड़ के गए अपनी रनअप पर गए भागते आ रहे जैसे भी आ रहे, जब आप अपना बॉलिंग एक्शन के लिए जंप करोगे, ठीक है, यहाँ ला के जब ऐसे ला रहे हो ना तो फिर आप इधर आएँ, ये देखें तो आपने जो है ऐसे पकड़ लेना ग्रिप को, ठीक है, जब बॉल पीछे जब हाथ आपका पीछे से ही आना शुरू है, जब आपने चेंज कर लेना है, ये देख रहे हैं ये यहाँ से मैंने चेंज कर लिया, ये करते लाके बॉल ऐसे फेंकनी है, ये देख रहे हैं कैरम बॉल की तरह पकड़ के ऐसे फेंकनी है बॉल के, आपने ग्रिप ही चेंज करनी है, देख लें कैसे हो गया। अब इसमें पता है क्या होगा, आप डायरेक्ट नहीं कराना, कहीं मैच में डायरेक्ट करा दो, पहली बात ये डायरेक्ट आपसे होगी नहीं, अगर आप प्रैक्टिस के बगैर कराओगे तो या तो फुल टॉस जाएगी या वाइड हो जाएगी या टिप कहीं का कहीं जाएगा, विकेट कहीं होगी बॉल कहीं जाएगी, ठीक है, डायरेक्ट नहीं कराना, पहले इसकी प्रैक्टिस कर, प्रैक्टिस में आपको पता लग जाएगा कि मैं क्यों मना कर रहा हूँ कि डायरेक्ट मैच में नहीं करा देना, आप जब प्रैक्टिस करोगे ना आप विकेट के ऊपर से फेंक रहोगे कभी कैसे, क्योंकि इतना आसान नहीं है ग्रिप को ना, आपको टाइम लगेगा उसको ना, जब ऐसे ला के यूँ फेंकोगे ऐसे पकड़ के तो टाइम लगेगा, ग्रिप इतनी आसानी से बनेगी नहीं आपकी,
लेकिन ये भाई मैं बता रहा हूँ, आपने ये कर लिया ना, आप दुआएं दोगे कि यार हसन भाई क्या टिप्स दिया आपने बॉलिंग में, मज़ा आ गया। क्योंकि इतनी आसान नहीं होगा इतने मारना, इससे होगा क्या, जब आप देख, मैं आप स्क्रीन पे बॉल वो भी लगा दूंगा एक वीडियो जिस पे देखें ले हो रही होगी लेग कटर, अभी यहाँ पे मैं करा के दिखा दूंगा, ठीक है। लेकिन मैं आपको इसे समझा रहा हूँ, ये देखें, जब बॉल, जब इससे होगा ये, जब गिरेगी आप यूँ फेंकेंगे ना, एक तो बॉल थोड़ी स्लो भी हो जाएगी। अच्छा, इसमें एक चीज़ और, इसमें आपने लाइन तो लेन ज़रूर देखनी है बॉल कराते टाइम, ये नहीं कि आप बैट्समैन यहाँ खड़ा हुआ है, आप उसके बिल्कुल यहाँ से इधर लेग कटर कर रहे हैं, अगर वो ऐसे टांग निकालेगा जैसी बॉल टिप खाएगी वो बैट से ऐसी पकड़ लेगा, लेग कटर हो नहीं पाएगी बॉल। आपने तकरीबन उसको पीछे करनी है थोड़ी सी, गुड लाइन की तरफ बॉल देनी है लेग कटर करने के लिए, ताकि वो अगर मारे भी तो स्लो वन हो के, जब वो मार रहा हो उसको लगे, उसको नहीं लगना चाहिए, वो समझेगा सीधी आ रही है, लेकिन बॉल जब लेग कटर होगी इधर जाएगी तो होगा क्या, उससे बॉल डॉट हो जाएगी, अगर मारेगा तो पूरे बैट में नहीं आएगा, एज लगेगा, साइड लगा, इधर खड़ी होगी, उधर खड़ी होगी, अब बाउंड्री पे जाके कैच होगा, कोई बहुत अच्छा ताकतवर बैट्समैन होगा फुल जान से मार रहा होगा तो वो तो फेंक देगा बाउंड्री तक, लेकिन उसके लिए भी बहुत ज़्यादा चांस हो गए कि पूरी बॉल ना लगे बैट पे और जो है उसका कैच हो जाए बाउंड्री पे, क्योंकि ये जो है ना वही हर कोई जो है इसको मार नहीं सकता, लेकिन हर कोई इस बॉल को करा भी नहीं सकता बगैर प्रैक्टिस के, तो आपने बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है। मैं बता दूँ, देखें इधर आए, ये करना है, ठीक है, ये पकड़ना है, जब ला के फेंकोगे तो ये बॉल की देखो, ये मैं देखा ये घुमा दी बॉल, ठीक है। सिर्फ आपने ये लेग कटर बॉल सीखनी है एक, उसके अलावा आपको कुछ नहीं चाहिए, टेप बॉल में स्पीड वगैरह का पीछे मत भागो, क्योंकि स्पीड में आप जितनी स्पीड मार लो, जितनी स्पीड मार लो, बॉलर जो है, बैट्समैन जो है मशीन पे प्रैक्टिस कर कर आ रहा है, उस पर इतनी स्पीड से वो खेल खेल कर आ रहा है, उसको स्पीड आप जितनी भी मार लो खेलते रहेगा, आपकी जितनी स्पीड नहीं उससे ज़्यादा स्पीड मशीन देती है, उससे खेल कर आ रहा है, आपको सीधे सीधे बैट से मारते रहेगा। अगर ये स्लो वन, अगर आपने ये लेग कटर सीखी, मशीन पे ये चीज़ नहीं होती, अगर वो सीखते वहाँ पे प्रैक्टिस भी करके आते, सीधी सीधी बॉल आती है, ये जब बॉल इधर उधर मूव होती है ना तो हर किसी के बस की बात नहीं होती खेलना, तो आपने ये प्रैक्टिस करनी हो। और उसके अलावा अगर आप स्लो वन अपने उसमें कराना चाहते हैं लेग कटर के अलावा, तो देखें स्लो वन की मैं ग्रिप बता दूँ, अगर आप अपनी बॉल को ऐसे पकड़ते हैं नॉर्मल, तो नॉर्मल में ये होता है कि आपका पेस जाएगा पूरा, ठीक है, लेकिन आप इधर आएँ, ये देखें, जब आप ऐसे ग्रिप ऐसे पकड़ेंगे ना बिल्कुल चिपका के, ठीक है, तो इससे ये होगा कि आपकी स्लो वन बॉल होगी सेम एक्शन में, जैसा आपका बॉलिंग एक्शन है, जैसा रन अप है, बैट्समैन को बिल्कुल भी पता नहीं लगेगा, उतनी ही जान से आप फेंकें जितनी जान से आप डिलीवर करते हैं ना बॉल ऐसे फेंकें, लेकिन बॉल पीछे होने की वजह से आपके हाथ से बहुत ज़्यादा लेट छूटेगी, स्लो चली आएगी, स्लो चलेगी, लेकिन इसमें एक चीज़ का ख्याल रखना, आपने थोड़ी ऊपर से छोड़नी है बॉल, अगर आपने नीचे छोड़ दी तो शॉर्ट पिच हो जाएगी, टिप जहीं खा जाएगी, इस चीज़ का ध्यान रखना, थोड़ी ऊपर से फेंकनी, जैसे नॉर्मल आप यहाँ के डिलीवर करते हैं ना, तो अब आपको उसकी ऊपर से कर देनी है डिलीवर थोड़ी, ताकि स्लो बन हो जाए, ठीक है। तो ये प्रैक्टिस आप करके देखें, आप रोज़ाना 4 आवर 2 आवर ऐसे कराएं, कहीं पे भी मैच खेलने जा रहे हैं उससे पहले किसी को विकेट पे खड़ा करके लेग कटर की खूब प्रैक्टिस करते हैं, टेप चढ़ा के, चाहे देखें इंडिया में टेनिस बॉल खेली जाती है, मेरे इंडिया के भी सब्सक्राइबर हैं, तो वो तो अपनी ऐसी बगैर टेनिस बॉल से ही खेल रहे हैं प्रैक्टिस, ठीक है, लेकिन जो अपने पाकिस्तान के सब्सक्राइबर हैं वो टेप चढ़ा के, क्योंकि आपको टेप चढ़ी हुई बॉल मिलेगी, और ये बॉल थोड़ा छोटा है, बड़ी बॉल मिलेगी, आपने कोशिश ये करना है कि बड़े साइज़ के बॉल से करना है, क्योंकि आपको फिर मैच में कितनी भी बड़ी बॉल मिले आपको बड़ी बॉल से खेलो, आप बॉल कराने की आदत होनी चाहिए, यानी कि छोटी बॉल से आप प्रैक्टिस कर रहे हैं और आपको मैच में बड़ी बॉल मिल गई, आपके हाथ में गिरी भी नहीं बनी, आपने बड़ी वाली बॉल लेनी जो सबसे बड़ी बॉल आ रही है उस पर प्रैक्टिस करना है, ताकि अगर मैच में आपको छोटी बॉल मिलती है ना तो आपका पेस भी अच्छा हो जाएगा उससे, और लेग कटर बहुत आसानी से करोगे, तो इस पर आप प्रैक्टिस करके देंगे तो इंशाल्लाह आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। तो इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं, मिलते हैं अगली वीडियो में, अल्लाह हाफिज़।